Good morning, students. Today there is our environmental studies period. Today's date is 12th of July 2021 and today is Monday. And today we are going to see the exercise related to the lesson number 7, water. In the last period, the lesson water is completed but exercise is remained. That's why today we are going to see the exercise, means the questions related to the lesson. Okay. Now, a question is given there. Answer the following. The first question is answer the following. There are no place to write down the answer. इनको लिखने के लिए, इनका जवाब लिखने के लिए वहां पे जगह नहीं है. दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट दीज आंसर्स इन योर क्लास वर्क नोटबुक. आई एम रिपीटिंग, दीज आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर क्लास वर्क नोटबुक ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज. यू अंडरस्टैंड, ये जो चार क्वेश्चंस ए में दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग, जो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं ए क्वेश्चन में, वो चारों के चारों क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अभ्यास के क्लास वर्क नोटबुक में लिखनी है. किसमें? क्लास वर्क नोटबुक में. सम पेरेंट्स आर अगेन एंड अगेन आस्किंग मी दैट मैडम वेयर वी हैव टू राइट दीज, वेयर वी हैव टू राइट दीज. एक्चुअली आई हैव गिवन यू द पिक्चर्स, है ना. आई हैव सेंड यू द पिक्चर्स एंड अंडर दैट आई हैव रिटन दैट हियर यू हैव टू राइट दिस इन योर क्लास वर्क नोटबुक, यू हैव टू राइट दिस इन योर होमवर्क नोटबुक. हाँ, यू शुड सी दैट प्लीज पेरेंट्स. हाँ, काइंडली सी दैट, वॉच दैट वीडियोज प्रॉपरली. इन द वीडियोज ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, है ना, वेयर यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स, है ना. सो watch the pictures, watch the videos carefully, you have got the idea where to write the answers. Okay. Now see here, answer the following. First one is least 4 uses of water. आपको क्या करने हैं? पानी के 4 उपयोग लिखने हैं. Now you know it very well. There are lots of uses of water, है ना, and there are four kinds of uses of water. We have seen that is personal use, household use, for recreation means for entertainment, and the last one is for plants and animals, है ना. I have given one example of each kind. You understand? हर एक प्रकार का मैंने यहाँ पे answer दिया है. Now look at the question and then answer. Least 4 uses of water. आपको पानी के 4 उपयोगों की एक लिस्ट बनानी है. See now, this is the answer. We use water for, हम पानी का उपयोग, हाँ, या पानी का प्रयोग करते हैं. किसके लिए? The first one is for drinking, पीने के लिए. Second, for cleaning the house, घर को साफ करने के लिए. Third one, for swimming, तैरने के लिए. And the fourth one is for watering plants, और पेड़ पौधों को पानी देने के लिए. Okay? हाँ, this drinking is related to personal use, है ना. This cleaning the house is related to household use, है ना. This third one is related to recreation or entertainment, and this fourth one is related for the animals and plants, है ना. So one example of each kind I have given here. Okay, you have to write like that. Okay, I will send you the picture or photo of this page. Okay. Second, why should we save water? हमने पानी को क्यों बचाना चाहिए? द आंसर इज वी शुड सेव वॉटर. हमें पानी को बचाना ही चाहिए. बिकॉज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वॉटर, ज्यादा से ज्यादा पानी अवेलेबल ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर मौजूद है, इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के योग्य नहीं है. सोर्सेस ऑफ फ्रेश वॉटर, ताजा पानी के स्रोत, आर लिमिटेड, मर्यादित है. ओके,
ताजा पानी के स्रोत मर्यादित है और ज्यादा से ज्यादा पानी जो हमारे पृथ्वी पर मौजूद है, जमीन पर मौजूद है, वो पीने योग्य नहीं है। इसलिए हमें पानी को क्या करना है, बचाना है। यू अंडरस्टैंड। टू आंसर्स आर गिवन ऑन द ब्लैक बोर्ड। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। सजेस्ट टू टिप्स टू सेव वॉटर। आपको दो उपाय योजनाएं बतानी है, दो सुझाव देने हैं पानी बचाने के। नाउ आई एम राइटिंग द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। रिमेनिंग टू क्वेश्चंस आर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड देयर आंसर्स आल्सो। नाउ सी, सजेस्ट टू टिप्स टू सेव वॉटर। आपको पानी बचाने की दो उपाय योजनाएं देनी है या सुझाव दो देने हैं। नाउ फर्स्ट वन इज टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब भी आप दांत घिसते हो तब आपको क्या करना है, बहता हुआ नल बंद करना है। ओके, द नेक्स्ट वन इज फिक्स अ लीकिंग टैप। गलते हुए नल की दुरुस्ती कर लेनी चाहिए, उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए। दीज आर द टू टिप्स to save the water. Understand? Now the next one is list any two causes of water pollution. आपको दो पानी प्रदूषण के कारण देने हैं। Now see the answer. Causes of water pollution. पानी प्रदूषण के कारण कौन से दो कारण दिए हैं यहाँ पे? Disposal of household garbage in water bodies. वॉटर बॉडीज यानी नदियां, तालाब, झील, है ना, ये सब उसमें आते हैं, सरोवर। हाँ, तो इन्हें वॉटर बॉडीज कहा जाता है। तो इनमें क्या करना, घर का जो कचरा है वो उनमें जाके डालना, ये क्या है, गलत बात है ये। दिस इज अ कॉज ऑफ वॉटर पोल्यूशन। हाँ, नाउ द सेकेंड वन इज डंपिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू सी। समंदर में जाके कारखानों की गंदगी डालना, डुबो देना, ये भी क्या है, वाटर पोल्यूशन का एक कारण है, है ना। हियर यू हैव टू गिव टू कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। हियर वी हैव गिवन टू कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो दिस एक क्वेश्चन इज कंप्लीटेड हियर। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दीज फोर, 1 to 4 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर classwork notebook of environmental studies. Understand? Now the second, fill in the blanks. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। Now I am writing the questions on the blackboard. Now see the question B. Okay, it is on the blackboard. Okay, what is that question? Fill in the blanks. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। Now look at these sentences. All humans, सभी मानव, plants, पेड़ पौधे and animals, और जानवर जिसमें पंछी भी आते हैं, okay? Need, उनको जरूरत होती है for their survival, उनके जिंदगी के लिए किसकी जरूरत होती है? Yes, water. The answer is water. Now see, all humans, plants and animals need water for their survival. सभी मानवों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को उनकी जीवन के लिए, उनके जिंदगी के लिए पानी की जरूरत होती है। Understand? Now see, the main source of water is पानी का मुख्य स्रोत है। You know it very well. What is that? Yes, rain. पानी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? Rain, बारिश। बारिश से ही हमें पहले पानी मिलता है ना? Now next, in villages, ग्रामीण गांव में people get water. लोगों को पानी मिलता है From the dash dash or hand pumps, from the wells, कुओं से और hand pump से, है ना? मतलब गांव में लोगों को पानी कुओं से और hand pump से
मिलता है. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट, बॉइलिंग वाटर इज, मतलब उबलता उबला हुआ पानी मारता है. किसे मारता है? जर्म्स एंड बैक्टीरिया, रोगाणुओं को और जीवाणुओं को, है ना? जर्म्स एंड बैक्टीरिया. ओके, नेक्स्ट, डू नॉट डैश डैश वाटर, हमें पानी जाया नहीं करना चाहिए. डू नॉट वेस्ट वाटर, द आंसर इज वेस्ट, हमें पानी जाया नहीं करना चाहिए, उसका व्यय नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, बेथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स ऑन रिवर बैंक्स, मतलब नदी के किनारों पे नहाना और कपड़े धोना कॉज पोल्यूशन, किसका कारण बनता है? वाटर पोल्यूशन का, पानी प्रदूषण का कारण बनता है. यू अंडरस्टैंड? सो दीज आर द answers of question B. Okay, students? Okay? Now, the third question, means the last question of this exercise is, tick the correct answer and cross the wrong ones. Jo answer correct hai, sahi hai, uske saamne aapko tick mark karni hai. Aur jo wrong hai, jo galat hai, unke saamne cross mark karni hai. Understand? Now, I am reading these answers for you. Okay, wait. Now see the C question. Okay, 5 sentences are given there. Okay, then in front of them boxes are given. I will explain you. I will give you the meaning of these sentences. And on the blackboard, I will write down the answers or tick the answers or cross the answers. Okay? See, first one, listen carefully. Most of the water available on the earth is fit for drinking. ज्यादा से ज्यादा पानी जो पृथ्वी पर मौजूद है वो पीने योग्य है. Is it correct? This sentence is correct. Once again, I am reading. Most of the water available on the earth is fit for drinking. ज्यादा से ज्यादा पानी जो पृथ्वी पर मौजूद है वो पीने योग्य है. Is it correct? Is it true? No. It is wrong. The first sentence is wrong. The answer should like this. Most of the water available on the earth is not fit for drinking. हमें आंसर क्या होना चाहिए था यहाँ पे? ज्यादा से ज्यादा पानी जो पृथ्वी पर मौजूद है वो पीने योग्य नहीं है. That's why this first sentence is wrong. Okay? Next, contamination of lakes, rivers and oceans by human beings is called water pollution. मतलब मानव के द्वारा सरोवरों में, तालाबों में, नदियों में और सागरों में, यानी समंदर में जो मिश्रण जाता है ना, गंदे पदार्थों का मिश्रण जाता है, उसे वाटर पोल्यूशन कहा जाता है. यस, इट इज करेक्ट. ये मानव निर्मित प्रदूषण है. मानव ने जो गंदगी फैलाई है वो सब कहा जाता है लेक्स में, नदियों में और समंदरों में. वहां जाके वो मिश्रित होता है, उसका मिश्रण होता है ना, तो वो इस वजह से क्या होता है? पानी का प्रदूषण होता है. नाउ नेक्स्ट, लीव द टैप ऑन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ. लीव द टैप ऑन व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ, आपने दांत घिसते वक्त नल खुला छोड़ना चाहिए. इज इट ट्रू? नो, इट इज रॉन्ग. आपने वो टैप बंद कर देना चाहिए. यू हैव टू टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ. नाउ द नेक्स्ट वन इज, एक्टिविटीज लाइक बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स ऑन रिवर बैंक्स और पॉन्ड्स मेक द वॉटर पोल्यूटेड. गतिविधियां जैसे कि नहाना, कपड़े धोना या बर्तन धोना, कहाँ पे? नदी के किनारे या
तालाब के किनारे ये पानी गंदा करता है, प्रदूषित करता है. यस इट इज करेक्ट, क्योंकि सारे गंदगी किसमें चली जाती है, उस पानी में, उन वाटर बॉडीज में चली जाती है. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट वन, बॉइलिंग वाटर किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया. उबला पानी जीवाणुओं को एंड कीटाणुओं को मारता है. यस इट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सरसाइज. ओके एंड द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी जोन. ओके वी शैल सी दिस एक्टिविटी जोन इन द नेक्स्ट पीरियड. टिल देन गुड बाय, स्टे होम स्टे सेफ, बाय.